चलिए पंचमी है और पंचमी से यह माता अन्नपूर्णा का व्रत होता है। 17 दिन का व्रत होता है। कोई अपनी किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो निश्चित पूर्ण होती है। जब कोई व्रत करिए या कोई अनुष्ठान करिए तो निश्चित है कि कोई मान्यता अपने मन में रखना चाहिए, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप मान्यता रखेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 17 दिन का व्रत है, 17 गांठों का होता है, 17 धागा होते हैं, 17 धूप से, 17 अड़ूर के फूल से, 17 चावल से, हल्दी से, रोरी से, 17 जो विधि विधान से होती है वो पूजा होती है, 17 दिन तक चलती है। एक कथा है, उस कथा का पारण किया जाता है। सुबह के टाइम लोग कथा सुनते हैं और माता की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और व्रत का प्रारंभ हो जाता है आज से। ये चलेगा 17 दिन तक। तो इस छठ चंपा छठ पड़ेगी 9 दिसंबर को, तो उस दिन पूर्ण होगा व्रत और उसी दिन समापन होगा और उसी दिन माता धान का श्रृंगार होगा। नई बालियाँ आती हैं जो पूर्वांचल के तमाम किसान होते हैं अपने खेतों से लाते हैं और इन बालियों को माता को अर्पित करते हैं, उससे माता का श्रृंगार होता है, उसी नए चावल से भोग लगता है, वही भक्तों में बाँटा जाता है, उससे लोगों का व्रत जब पूर्ण हो जाता है तो उससे पारायण करते हैं तो व्रत समाप्त होता है। तो ये ऐसी यहाँ की मान्यता है। और जो चावल है उसको अपने घर में ले जाकर रखते हैं, धान को रखते हैं और किसान भाई ले जाकर कहीं अपने खेतों में छींटते हैं तो किसी प्रकार का रोग नहीं लगता, और निश्चित कि रोग लगता है तो थोड़े रूप में स्वरूप में वो विघ्न बाधा के रूप में ख़त्म हो जाता है और निश्चित है कि फसल में वृद्धि होती है। ऐसी यहाँ की मान्यता चली आ रही है और ये व्रत करने से निश्चित है कि आपके यहाँ निश्चित है कि वृद्धि होगी, सुख संपत्ति प्राप्ति होती है। क्या है ऐसी चीज़, तो ऋषि मुनि तमाम लोग यहाँ आए और उन्होंने अन्नपूर्णा जी के महत्व को समझा, तो उसने बताया कि यहाँ का परिक्रमा, माता अन्नपूर्णा की परिक्रमा करने से ही एक अलग महत्व है, अपना जीवन का कल्याण हो जाता है। तो उसने जब बताया कि मैंने एकमात्र परिक्रमा लगाई थी तो मैं स्वर्ग में दो योनि अपनी बिताई, तो उन ऋषि मुनियों ने उसके मुँह से वो कथा सुनी, फिर उन लोगों ने व्रत किया और उस व्रत की परंपरा उस समय से चली आ रही है और ये व्रत करना चाहिए। निश्चित है कि जो इस व्रत को करते हैं और माता की परिक्रमा लगाते हैं तो निश्चित है उनके जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है और उनको ऐश्वर्य प्राप्त होता है।